नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों शिक्षा शास्त्र अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, शिक्षा शास्त्र अपन पढ़ रहे थे और शिक्षा शास्त्र में अपन ने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ ली है। तो अगर आपने शिक्षा शास्त्र का टॉपिक नंबर एक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के आप ये वीडियो देखिए। इसके 5 वीडियो बने हैं TLM के, क्योंकि बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ाया गया है। तो अब जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो तो टॉपिक अपना पूरा हो गया। अब अपना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दूसरा टॉपिक चालू किया है CCE, ठीक है, CCE। इसका नाम आपने अच्छी तरह से सुन रखा होगा और इसको इसका पूरा नाम क्या है देखिए, इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीसीई को कहा जाता है। तो ये टॉपिक आज चलने वाला है, आज से लगभग यू मान के चलिए सीसीई के भी 4 से 5 वीडियो बनने तय है, क्योंकि ऐसा नहीं है शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा दिया, 1-2 वीडियो में पूरा हो गया टॉपिक, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम 4 से 5 वीडियो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीसीई को। तो सीसीई होता है क्या है, पहले इसको देखेंगे। सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? सतत। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? व्यापक। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? मूल्यांकन। तो दोस्तों सीसीई को लागू क्यों किया गया, पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो ये सीसीई है इसको लागू क्यों किया गया। तो इसको लागू करने के पीछे भी कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो इसका कारण माना जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए, और मूल्यांकन प्रक्रिया में या फिर मूल्यांकन में निरंतरता लाने के लिए सीसीई को लागू किया गया था। भाई इसके पहले भी मूल्यांकन तो पहले भी होता था, लेकिन सीसीई की क्या जरूरत पड़ी? तो इसके 2 कारण मुख्य रूप से माने गए हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए और मूल्यांकन में निरंतरता लाने के लिए सीसीई को लागू किया गया। सीसीई का विचार दिया गया कि भाई सीसीई को लागू करें, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया लचीली नहीं है और मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर नहीं चल पाती है। तो इसके ये 2 प्रमुख कारण बताए गए। देखो सीसीई की बात की जाए तो इसका विचार सबसे पहले सर्वप्रथम अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्वप्रथम दिया था प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो याद रखना कि सीसीई को लागू करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वहां पर ये विचार देने वाला था, या फिर सीसीई का विचार किसने दिया था, तो विचार देने वाले थे प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रथम नई शिक्षा नीति नहीं, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सीसीई का सर्वप्रथम विचार दिया गया। अब एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ऊपर से ही मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, इसके तुरंत बाद में बताऊंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। तो दोस्तों जैसे प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो विचार दे दिया कि भाई सीसी चलाई जाए, लेकिन सीसी चलाने का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि भारत के विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन जैसी समस्या बहुत आ रही थी। अपव्यय व अवरोधन की समस्या। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी सीसीई को लागू करना था। तो अपव्यय व अवरोधन की समस्या क्या होती है?
कि भाई एक तो होती है अपव्यय की समस्या और एक होती है अवरोधन की समस्या। कि यदि कोई छात्र है अवरोधन, यदि कोई छात्र है वो किसी कक्षा में फेल हो जाता है, ठीक है, किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसको कहा जाता है अवरोधन की समस्या। मतलब एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना, उसको अवरोधन की समस्या कहते हैं। सीसीई के पहले किसी भी कक्षा तीन में फेल कर दिया, दो तीन बार फेल कर दिया बच्चों को, तो वहीं से उसका पढ़ाई करने का मूड खराब हो जाता है कि अरे यार बार बार फेल करते हैं। एक होती है अपव्यय की समस्या। अपव्यय की समस्या का मतलब है कि बालक द्वारा बीच में ही, वर्ष के बीच में ही, सत्र के बीच में ही विद्यालय को छोड़ देना, वो कहलाती है अपव्यय की समस्या। और अवरोधन की समस्या क्या कहलाती है, फेल हो जाना एक तरह से। एक कक्षा में बार बार बच्चा रह रहा है तो वो अवरोधन है, और बालक बीच में ही विद्यालय छोड़कर भाग जाता है, विद्यालय छोड़कर भाग जाता है, विद्यालय आना बंद कर देता है, तो उस पे जो पूंजी लगाई है सरकार ने वो सभी चीजें क्या होती है, एक तरह से अपव्यय हो जाती है, इसलिए उसको अपव्यय की समस्या कहा गया। तो इनको दूर करने के लिए भी सीसीई लागू किया गया। देखिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, एनसीएफ 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था। एनसीएफ 2005 का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इन्होंने बोझ रहित शिक्षा हेतु, बोझ रहित शिक्षा हेतु एक सुझाव दिया, एक विचार प्रस्तुत किया कि भाई सीसीई को जितनी जल्दी हो सके भारत में लागू कर दो। ऐसा इनका एक विचार था, एक सुझाव था, किसका, प्रोफेसर यशपाल समिति का, कि भारत में सीसीई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां तक क्लियर है सभी के, कि नहीं है, क्लियर होना चाहिए। अब आपने आरटी दो चरणों का भी नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आरटी दो चरणों को लागू करने के लिए, देखो आरटी दो चरणों को लागू करने के लिए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके मध्य दिल्ली में एक बैठक आयोजित हो रही थी 2009 को, ठीक है, 20 सितंबर 2009 को, यह तारीख भी आ जाती है, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके मध्य और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनके मध्य आरटी 2009 को लागू करने के लिए एक बैठक आयोजित हो रही थी 20 सितंबर 2009। और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया, कि भाई सीसीई को इसी सत्र से, किस सत्र से, 2009 से ही लागू किया जाना चाहिए, सीसीई को 2009 से ही लागू किया जाना चाहिए। तो 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर 2009 को जो भारत देश है, भारत देश का जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम था, उस सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 9 अक्टूबर 2009 को कक्षा 9 में सीसीई को सर्वप्रथम लागू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इस बैठक में निर्णय ले लिया गया, जबकि बैठक किसके लिए आयोजित हो रही थी, आरटी को लागू करने के लिए, किंतु इसी में क्या निर्णय ले लिया है इन्होंने मिलकर के, कि भाई यार आरटी तो ठीक है लेकिन सीसीई भी लागू होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय भी सुना दिया कि भाई इसी सत्र में लागू होना चाहिए। तो देखो 20 सितंबर को तो बैठक क्यों रही थी, सितंबर के बाद में अक्टूबर, मतलब 15 से 20 दिन के बीच में ही सीसीई प्रभावी रूप से लागू हो गई। और भारत के कौन से पाठ्यक्रम में, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कौन सी कक्षा से लागू हुई, कक्षा 9 से लागू हुई, सीसीई सर्वप्रथम लागू की गई कक्षा 9 में 9 अक्टूबर 2009 को। तो अगर प्रश्न आता है कि सीसीई भारत में कब से लागू हुई, तो वहां पर राइट आंसर रहेगा अक्टूबर 2009 को। डेट पूछे तो 9 अक्टूबर कौन सी कक्षा में लागू हुई, कक्षा 9 में लागू हुई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सीसीई को कक्षा 9 में तो लागू कर दिया गया 2009 में ही, लेकिन
ये सिर्फ कौन से पाठ्यक्रम में था, सीबीएसई के सिलेबस में इसे लागू किया गया। अब इसके बाद में 2010-11 का जो सत्र आया, इसमें जो सीसीई है उसको कक्षा दसवीं में भी लागू कर दिया गया, कक्षा दसवीं में भी लागू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी पाठ्यक्रम कौन सा रहा, सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम रहा। किसका पाठ्यक्रम रहा, सीबीएसई का ही ये पाठ्यक्रम रहा, जिसमें मतलब 2010-11 का जो सत्र था उसमें कक्षा नौवीं में और दसवीं में सीबीएसई लागू हो चुकी, ये जो सीसीई है वो लागू हो चुकी थी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में। इसके बाद में जब 2011-12 का जो सत्र आया तो उसमें सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम था संपूर्ण भारत का, उसमें कक्षा एक से दस तक लेकर, कक्षा एक से कक्षा दस तक इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, लागू कर दिया। तो याद रखना है आपको कि कक्षा एक से दस तक कौन से सत्र में सीसीई लागू हुई, तो कौन से सत्र में, 2011-12 के सत्र में, किसके पाठ्यक्रम में, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में, जबकि इसके पहले 2010-11 में दसवीं में सम्मिलित की थी और 2009 में नौवीं में सम्मिलित की थी। तो यहाँ तक क्लियर है, ये सीबीएसई को कक्षा 1 से 10 तक कब लागू किया गया, 2011-12 में, किसके पाठ्यक्रम में, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में। अब राजस्थान की यदि बात की जाए, राजस्थान में जो सीसीई है उसकी क्या प्रोसेस थी, तो राजस्थान में एक परियोजना चल रही थी जिसको कहा जाता है पायलट परियोजना। तो ये जो पायलट परियोजना थी, इस परियोजना के अंतर्गत तीन चरणों में सीसीई को अलग अलग सत्रों में लागू किया गया, अलग अलग सत्रों में लागू किया गया। तो ये भी याद रखना है आपको कि भाई ये तो भारत की बात हुई, अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीसीई पायलट परियोजना के तहत तीन चरणों में अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग सत्रों में इसको लागू किया गया। तो इसके तीनों चरण अपन देखेंगे एक एक को। अभी देखो ये सीसी का तो एक परिचय चल रहा है, अभी सीसी के प्रकार पढ़ेंगे, सीसी के उद्देश्य पढ़ेंगे, सीसी का अर्थ पढ़ेंगे, सीसी के क्षेत्र पढ़ेंगे, सीसी के नियम पढ़ेंगे, सभी चीजें एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके जो तीन चरण है सीसी के उसको अपन पढ़ेंगे। लेकिन अगर वीडियो एक बार और वापिस देख सकते हो आप, अगर वीडियो में कुछ कंफ्यूजन लगता है तो यहां तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों इसके तीनों चरणों की बात करेंगे बिल्कुल एक एक तरीके से। तो प्रथम चरण की बात करें, ये चरण किसकी योजना के अंतर्गत है, पायलट परियोजना के अंतर्गत इन चरणों का निर्माण किया गया। तो दो जो प्रथम चरण है इसमें दो जिलों में ही सीसीई को लागू किया गया था। सबसे पहले जिले कौन कौन से थे, अलवर व जयपुर जिला। तो याद रखना है कि राजस्थान में सीसीई सर्वप्रथम कौन से जिलों में लागू की गई, तो अलवर व जयपुर जिले के कितने विद्यालयों में, 60 विद्यालयों में इसको लागू किया गया। और ये कब लागू किया गया, 2010-11 में प्रथम चरण के अंतर्गत लागू किया गया और कक्षा 1 से 5 तक इसे लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना है राजस्थान में सीसीई सबसे पहले अलवर में जयपुर दो जिलों में लागू की गई, 60 विद्यालय वहां के चुने गए, 2010-11 की ये बात है और कक्षा 1 से 5 तक इसे लागू किया गया। फिर द्वितीय चरण इसका चला तो उसमें बीच में एक सत्र छूट गया, देखो 2011-12 वाला सत्र इसमें नहीं लिया, लेकिन 2012-13 में वापस इन्होंने 178 राज्य के हैं ये ब्लॉक, राजस्थान के 178 ब्लॉक होते हैं ना, जो प्रत्येक जिले में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, फिर उसके अंदर विद्यालय आते हैं, एक ब्लॉक में बहुत ब्लॉक का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत सारे विद्यालय उसमें आ जाते हैं। तो राज्य के 178 ब्लॉक के 3059 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक इसे लागू कर दिया गया। तो याद रखना है द्वितीय चरण हुआ 2012-13 में पायलट परियोजना के अंतर्गत ही,
और 178 ब्लॉक के 3059 विद्यालयों में सीसीई को लागू कर दिया। ये सीसीई का परिचय पढ़ रहे अभी अपन, अभी बहुत सारी चीजें बाकी इसमें। और यहाँ पर भी कौन सी कक्षा तक लागू किया गया, कक्षा 1 से 5 तक इसे लागू किया गया। नोट करके यही लिखना, यहीं पर प्रथम चरण के अलवर व जयपुर के 60 विद्यालयों में 6 से 8 तक भी इसे लागू किया गया। तो द्वितीय चरण में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो 1 से 5 तक लागू कर रखा था, तो इन्होंने यूं बोला कि भाई यहाँ आप पहले से भी सीसी को ले रहे हो तो आपके विद्यालयों में 8वीं तक कर देते हैं। तो वो जो 60 विद्यालय थे ये वाले, इन 60 विद्यालयों को कहां तक लागू किया गया, 8वीं तक सीसी को लागू कर दिया गया। फिर तृतीय चरण की बात आती है, तो तृतीय चरण लागू किया गया था 2013-14 में, और ये चरण भी किस योजना के अंतर्गत, पायलट परियोजना के अंतर्गत लिया गया। इसमें 9 ब्लॉक के उन सभी विद्यालयों में जहां यह योजना द्वितीय चरण में लागू नहीं हुई थी, तो 9 ब्लॉक छूट गए थे पहले, और वहां पर भी इसे लागू कर दिया गया। और नोट करके एक इसमें लिखा है, 2015-16 में प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया। वर्तमान में 5,811 विद्यालयों में सीसीई प्रभावी रूप से लागू है। तो देखो, अगर पूछा जाए राजस्थान में, संपूर्ण राज्य में, ठीक है, संपूर्ण राज्य में अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक सीसीई को कब लागू किया गया, 2015-16 में, कौन से चरण में, तृतीय चरण में। ये चरण किस योजना के है, पायलट परियोजना के है। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज को याद रखना है दोस्तों। ये था सीसीई का एक सामान्य परिचय, इसके उद्देश्य अर्थ वगैरह क्षेत्र वगैरह इसके नियम वगैरह सभी चीजों को, इसके प्रकार सभी चीजों को एक एक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, मैं शुरू में नहीं कहता हूँ लेकिन बाद में कहने की आदत है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फिर थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, और अच्छी तरह से एक एक चीज को, कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई गलत लगती है तो कमेंट करके जाना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।